नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मां हीराबा से मिले। आज मोदी का 64वां जन्मदिन है। सुबह करीब 7:30 बजे गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी अपने भाई प्रहलाद मोदी के घर पहुंचे, जहां उनकी मां रहती हैं। उन्होंने पैर छूकर मां का आशीर्वाद लिया। बेटे के जन्मदिन के लिए हीराबा ने भी तैयारी कर रखी थी, खास तौर पर चूरमा के लड्डू बनाए थे अपनी बेटी के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद है। मां ने पीएम मोदी का मुंह मीठा कराया और दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातें होती रही। इस मौके पर आशीर्वाद के तौर पर हीराबा ने मोदी को 5,001 रुपये दिए, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। ये सुबह की तस्वीरें हैं, जब आप देख सकते हैं कि सबसे पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए। हालांकि हर साल जब भी कुछ खास मौका होता है, तब सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए अपनी मां का पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी। और ये बातें करते हुए, मां बेटे के बीच की बातें आप देख सकते हैं, मुस्कुरा रहे हैं उनकी कुछ बात पे, और ये मुंह मीठा कराते हुए अपने बेटे की, प्रधानमंत्री बेटे की। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी मां के पास पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं और अपने पास से 5,001 रुपये शगुन के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया। हालांकि ये प्रधानमंत्री राहत कोष जो है उसमें गया, जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए। तो थोड़ी देर तक माँ बेटे के बीच में खूब बातें हुई। आप देख सकते हैं मुस्कुराता चेहरा माँ का, जाहिर सी बात है गर्व से फूले नहीं समा रही होंगी। लेकिन उनके लिए, भले ही देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके लिए उनका नरेंद्र, उनका बेटा, और उसके बाद माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर उन्होंने बाहर में बातचीत की, बाहर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहीं पर बैठकर दोनों ने बातचीत की माँ बेटे ने, और उसके बाद फिर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का हाथ पकड़कर अंदर ले गए, जहां पर परिवार के बाकी लोग भी मौजूद थे और वहां पर बातचीत की। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज अपने जन्मदिन के मौके पर वो अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लेकिन इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी की जिंदगी में कुछ भी खास होता था, तो जरूर अपनी मां का स्नेह हासिल करने पहुंचते हैं। पिछले साल भी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर वो माँ हीराबेन के पास पहुँचे थे। तब माँ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में 11 रुपये दिए थे। फिर 22 मई को लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी माँ से मिलने गए थे, तब हीराबेन ने उन्हें 501 रुपये दिए थे। आज भी बेटे को जन्मदिन के मौके पर माँ हीराबेन ने 5,001 रुपये आशीर्वाद के तौर पर दिए हैं। तो भले ही सफलता की जितनी ही सीढ़ियां क्यों ना चढ़ ली हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन परिवार के साथ जो रिश्ता होता है, हमारे समाज में अपनी संस्कृति जो होती है कि जब भी कोई विशेष मौका हो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना, ये कभी नहीं भूले नरेंद्र मोदी। मोदी के जन्मदिन पर मानो जैसे ये रिवाज जैसा बन चुका है, वो कहीं भी रहे जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने गांधीनगर जरूर जाते हैं। अब पीएम बनने के बाद आज पहली बार गए, तो जाहिर है मां के लिए मौका खास हो गया। वैसे जन्मदिन ही क्यों, जिंदगी के हर बड़े मौके पर मोदी सबसे पहले मां का ही आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। पर मारो आत्मा थी अंदर लो, आत्मा ही बोलियो तो ये प्रधान बनवानो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। माँ ने दिल से दुआ दी और बेटा प्रधानमंत्री बन गया। औरों के लिए ये सियासी समीकरण हो सकता है, मगर एक माँ के लिए इससे सुखद सपना और क्या होगा जो उसकी आंखों के सामने सच हो जाए। अपने जन्मदिन पर माँ का ये प्यार, ये आशीर्वाद लेना नहीं भूलते नरेंद्र मोदी। 63वें जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद। पिछले जन्मदिन पर जब मोदी माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे थे,
तब गुजरात में तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन चुके थे। बातें उठने लगी थी उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की। तब तक लोकसभा चुनावों की सियासी सुगबुगाहट भी साफ सुनाई देने लगी थी। पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुने जाने की चर्चाओं के बीच मोदी अपने जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद लेने आए थे। माँ ने दुआ दी थी और मोदी की वो मुराद पूरी हुई। प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुने जाने के बाद मोदी चुनावी अभियान में जुट गए। पूरे देश में धुआंधार रैलियां की और जब 16 मई को चुनावी नतीजों के रुझान साफ हुए मोदी सबसे पहले अपनी माँ से मिलने पहुंचे। बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने के नाते मोदी के लिए यह खुशी का सबसे बड़ा मौका था। सुबह 11 बजे केंद्र में अगली सरकार की तस्वीर साफ होते ही मोदी अपनी खुशी माँ से बांटने पहुंचे। माँ फूले नहीं समाई। बेटा जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में कामयाब हुआ था। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद अब मोदी को माँ से ही नहीं पूरे गुजरात से विदा लेनी थी। अगले 3 दिन तक इसकी औपचारिकताओं में मशगूल रहे। दिल्ली लौटने से पहले आनंदीबेन पटेल के तौर पर अपना उत्तराधिकारी चुना, मगर इसके बाद जो माँ ने विदाई दी वो सबको भावुक कर गई। चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मोदी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। अब शपथ के लिए दिल्ली रवाना होना था। पूरे गुजरात को अलविदा कहने के बाद अब बारी थी माँ से विदा लेने की। जनसैलाब के बीच से गुजरते महारथी के दिल में भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था, मगर चेहरा सख्त खामोश था। इस चुनावी युद्ध का महानायक माँ के पास आकर मौन बैठ गया। एक छोटे से घर में जहाँ 91 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने पराक्रमी बेटे को देखकर निहाल हो गई। उसके सामने प्रधानमंत्री नहीं, उसके सामने तो जैसे बालक नरेंद्र बैठा हो। माँ बोलती रही, आशीष देती रही, मोदी चुपचाप सुनते रहे। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जाते जाते माँ ने बेटे का मुंह मीठा कराया और छोटे बच्चे की तरह हाथ में शगुन के पैसे भी रखे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बेटे के 64वें जन्मदिन पर हीराबा को अपने पीएम बेटे का इंतजार था। पीएम बनने के बाद बेटा पहली बार घर आ रहा था। मोदी ने भी 17 सितंबर की शुरुआत माँ के आशीर्वाद लेने के साथ की। मोदी के जिंदगी में माँ की जगह है ही इतनी अहम। संघर्ष के दिनों में हौसला बढ़ाने से लेकर सबसे बड़े चुनाव में विजयी होने का वरदान इसी माँ ने तो दिया था। उस माँ के साथ ऐसा गहरा नाता है मोदी का। आंसुओं की इस अनभुज लड़ी में भी माँ की ममता से एक डोर जुड़ गई। 20 मई को जब संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रहे थे, तभी सैकड़ों मील दूर बैठी उनकी माँ की बूढ़ी आंखों से भी गंगा जमुना बहने लगी। माँ ने आज तक पर बेटी की नम आंखों को देखा, उसके झुके हुए मस्तक को देखा, तो उसके लिए भी अपनी भावनाओं को रोकना आसान नहीं रह गया, क्योंकि इस माँ के दामन से मोदी के भाग्य की डोर जुड़ी है। इनसे बचपन की ना जाने कितनी कही अनकही कहानियां बंधी हैं। माँ जानती है बेटा कहाँ से चलकर कहाँ तक पहुँचा है। माँ समझती है इस मुकाम से पीछे मुड़कर देखना कितना भावनात्मक हो सकता है। तभी तो माँ की आग से आंसुओं की धार तभी थमी जब बेटा खुद को संभालने में कामयाब हुआ। वो माँ आज भी गांधीनगर के गवर्नमेंट क्वार्टर के 10x10 के कमरे में रहती है। वहाँ से मोदी राजनीति के शिखर पर पहुँच गई, लेकिन बेटे के लिए जरूरत पड़ी तो वोट देने भी निकल गई, वो भी ऑटो में सवार होकर। कहने को तो ये तस्वीर भर हो सकती है, एक ऐसी तस्वीर जहां एक माँ अपने बेटे के लिए फर्ज अदा करने निकली है। लेकिन इस तस्वीर के फ्लैशबैक में जाएं, तो एक माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश का अक्स साफ दिखाई देता है। हीराबा ने उस दिन वोट ही नहीं डाला, वोट के साथ बेटे को पीएम बनने का वरदान भी दे दिया था।
અંદર લાવત્મા બોલ્યો તો એ પ્રધાન બનવાનું, આખી સૃષ્ટિનો રાજા બનવાનો. માં કા વો વરદાન વાકે હી સચ સાબિત હુઆ. આજ તક બ્યુરો.